बिहार क्रिकेट जगत से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हां, मोइनुल हक स्टेडियम के पुनर्निर्माण के बाद बनने वाले वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम को लेकर बिहार सरकार और बीसीसीआई या उसकी यूनिट बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के बीच एमयू पर हस्ताक्षर लग गया है। जी हां, एमयू पर हस्ताक्षर का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। इस दौरान सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों ही डिप्टी सीएम मौजूद रहे। दरअसल पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में मोइनुल हक स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया था और बिहार सरकार ने इसको एमओयू के प्रारूप को लेकर अपनी स्वीकृति दे दी थी। अब मोइनुल हक स्टेडियम निर्माण के लिए बिहार सरकार और बीसीए के बीच एमओयू में हस्ताक्षर हो गया है। बताते चले, 30 साल के लिए स्टेडियम बीसीसीआई को लीज पर बिहार सरकार ने दे दिया है। स्टेडियम निर्माण के बाद पहले 7 साल तक 1 रुपए के सालाना राशि बिहार सरकार लेगी। उसके बाद 7 साल के बाद अगले 23 साल तक स्टेडियम का इनकम का 50% बिहार सरकार रखेगी, जबकि 50% बीसीसीआई रखेगी। अब इस पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा, एक बार सुन लीजिए। खेल जगत के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। बिहार में करोड़ों बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, उनके लिए एक आधुनिक स्टेडियम बनाने का काम बीसीसीआई के द्वारा, और लगभग क्योंकि सरकार राशि दे रही है, सरकार ने एक स्टेडियम नालंदा में बनाया, आगे भी बनाना चाहती है। लेकिन हम चाहते हैं कि खेल जगत को, क्योंकि क्रिकेट खिलाने का काम या तो बीसीए का काम है या बीसीसीआई का है, तो हम लोग चाहते हैं कि बीसीसीआई इसको आधुनिक तौर पर बनाए, इस पूरे खेल जगत को आगे हमारे जो ग्रामीण बच्चे हैं उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिल सके। कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर स्पष्ट है कि पहला 7 साल तक हम 1 रुपये के लीज पर बीसीसीआई को जमीन उपलब्ध करा रहे हैं। उसके बाद लगभग जो 23 साल का और लीज होगा उसमें जो रेवेन्यू आएगा उसका 50% बिहार सरकार को मिलेगा और 50% बीसीसीआई और बीसीए को मिलेगा। क्योंकि खेल को बढ़ाना है, हमारी राशि नहीं लग रही है बनाने में, बनाने का काम बीसीए के द्वारा बीसीसीआई के द्वारा होगा, तो इसलिए खेल जगत को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, बदलता बिहार बढ़ता बिहार, डबल इंजन की सरकार का ये बिहार है और खेलो इंडिया से शुरू हुआ, अब बिहार खेलेगा। बिहार के अंदर युवाओं के प्रतिभा का सम्मान भी होगा, युवाओं के प्रतिभा का खेल कला संस्कृति युवा विभाग के अंदर खेल विभाग उससे अलग हुआ है और आज खेल विभाग के अंदर बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। युवा महोत्सव भी हम लोग मना रहे हैं और खेल महोत्सव भी अब आगे बढ़ेगा और इसको लेके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी दोनों मिल करके बिहार के प्रतिभा जो अलग अलग क्षेत्रों में जा करके अपनी प्रतिभा का डंका बजाते हैं, बिहार के अंदर से वह प्रतिभा खेलेगा और देश को गौरवान्वित करेगा। तो सुना आपने, दोनों ही डिप्टी सीएम ने इस फैसले को कितना कारगर बताया है, क्या इससे अब बिहार के क्रिकेट में क्या कुछ बदलाव आएगा, कितनी चीजें बदलेंगी ये तो धीरे धीरे पता चल जाएगा, पर फिलहाल बिहार की क्रिकेट जगत से ये बहुत बड़ी खबर है और शानदार खबर है। पटना से अनिकेत कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।